सब्सक्राइब करिए टेक्निकल बॉय चैनल को और उसके पास एक बेल आइकन उस पर भी क्लिक कर दीजिए मेरी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। ओके हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल बॉय। आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपनी आँख या फेस से अपने एंड्रॉयड फ़ोन कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसे मैं आज रिव्यू बनाऊंगा इस वीडियो में। तो अगर इस ट्रिक को समझना है तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जाकर सर्च करना है EVA फेशियल माउस। इसे सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस ऑटोमेटिक आ जाएगी और देखते रहिए इसकी पब्लिसिटी। एप्लीकेशन की 1 मिलियन डाउनलोड्स है और रेटिंग तो बहुत अच्छी है, 4.4 रेटिंग है इसका। चलिए, यह बूढ़ापन डेवलपर एप्लीकेशन है, इसे बूढ़ापन ने क्रिएट किया है। तो चलिए इस फ्रेंड को चलिए फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन को ओपन करके देखते हैं। देखिए, इसे इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर यह इस तरह से आइकन होके आएगी। चलिए इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले आपको सबसे पहले इसे परमिशन देना पड़ेगा। तो सेटिंग में जाके इसे देखिए, यहाँ पर EVA फेशियल माउस इसको ऑन कर दीजिए। देन ऑन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगी, फिर आपको ओके करना है। देन आपको नेक्स्ट 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 क्लिक करना है और देखिए ये मेरा फेस डिटेक्ट कर रहा है। फिर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके सब कर देना, फिर बैक कर देना है। देखिए, मैं विदाउट कंप्यूटर को बिना स्क्रीन को छुए मैं व्हाट्सएप यूज कर सकता हूँ। देखिए, देखिए मैंने व्हाट्सएप ओपन कर दिया है और इस जो पहले नंबर पर इसे ओपन करना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने इसे ओपन कर दिया है, देखते रहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये काम करना है। तो देखिए, यहाँ पर मेरा फेस यहाँ पर दिख रहा है आपको। फिर मेरे फेस की वजह से ये पॉइंटर हिल रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं बैक करना चाहूँ तो बैक कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए बैक हो गया। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर द 132 सब्सक्राइबर। आप लोगों की वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट करते रहिए मुझे इस तरह से और मैं आपके लिए बहुत सारे टेक्निकल वीडियो लाता रहूँगा। तो उसके लिए धन्यवाद। And we gonna live.